नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब होने की बात कहकर कैबिनेट का विस्तार टाल दिया गया है। वहीं एक खेमे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होगा, तो निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं मुश्किल दौर में भी ठाकरे वफादारों के लिहाज से कमजोर नहीं पड़े हैं। भारत निर्वाचन आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र की सियासी जमीन तक भी वे ठाकरे के साथ डटे हुए हैं। तो उधर मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार अजमल कसाब को फांसी तक पहुंचाने वाले सरकारी वकील उज्जवल निकम और शिंदे की मुलाकात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र में 26/11 मुंबई आतंकी हमले में सबसे कम उम्र की घायल और प्रत्यक्षदर्शी देविका रोटावन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर सरकारी आवास आवंटित किए जाने की मांग की है। प्रदेश के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब होने की बात कहकर कैबिनेट का विस्तार टाल दिया गया है। वहीं एक खेमे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होगा। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने के 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है। नौकरशाहों का मानना है कि शीर्ष अदालत में चल रहे केस पर फैसला आने के बाद ही कैबिनेट का विस्तार होगा। एकनाथ शिंदे ने 27 जुलाई को कहा था कि वो अगले 3 दिनों में कैबिनेट का विस्तार करेंगे और फडणवीस ने कहा था कि ये जल्द ही होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में ही है, डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। वहीं कैबिनेट सदस्यों की सूची के साथ देवेंद्र फडणवीस नई दिल्ली में है। बीजेपी नेताओं के अनुसार चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, सुधीर मुनगंटीवार, राधाकृष्ण विखे पाटिल, प्रवीण दारेकर, बबन लोणीकर, नितेश राणे और रविंद्र चौहान भाजपा से कैबिनेट मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं, जबकि गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, दादा भूसे, शंभुराज देसाई, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, बच्चू कड़ू या रवि राणा शिंदे समूह के दावेदार हैं। पूर्व मंत्री आशीष शेलार भी सबसे आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की मुश्किलें बढ़ सकती है। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में आवेदन दायर कर दंपत्ति की जमानत रद्द करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही नेता प्रदेश में नई सरकार के आने के बाद कोर्ट की कार्यवाही से गायब रहे हैं। 1 जुलाई को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट ने सरकार बनाई थी। मुंबई पुलिस के इस आवेदन को लेकर विशेष अदालत ने राणा दंपति को फटकार लगाई है। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा कि जब से नई सरकार आई है तब से ही न दंपति और न ही उनके वकील कोर्ट आए हैं। कानूनी प्रक्रिया को हल्के में लिया जा रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर राणा दंपति ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ और उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। दंपति की तरफ से कोर्ट में पेश हुए शब्बीर शोरा ने कार्यवाही में पेश होने के लिए विस्तार की मांग की है। खबर है कि फिलहाल केस को 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले दंपति को कोर्ट में 20 जुलाई को पेश होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सत्ता गंवाने के बाद अब शिवसेना बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सांसद और विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं। हालांकि इस मुश्किल दौर में भी ठाकरे वफादारों के लिहाज से कमजोर नहीं पड़े। भारत निर्वाचन आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र की सियासी जमीन तक भी ठाकरे के साथ डटे हुए हैं। मौजूदा हालात को देखें तो ठाकरे फूट से हुए नुकसान की भरपाई करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से नहीं मिलने के आरोप के बीच उन्होंने अब संपर्क पर ध्यान बढ़ाया है और अब उनके साथ लगभग हर मौकों पर बेटे आदित्यनाथ और तेजस नजर आते हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत लगातार पार्टी का पक्ष रखने मीडिया के सामने आते रहे हैं। साथ ही वो शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। अब रविवार को हुई प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद मीडिया से संपर्क का जिम्मा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी उठाती हुई नजर आ रही है। वहीं उनका साथ अरविंद सावंत दे रहे हैं। राउत को पादराचौल जमीन घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। खबर है कि पूर्व मंत्री सुभाष देसाई रिटायरमेंट के करीब है, लेकिन शिवसेना के मुश्किल दौर में उन्होंने संगठन को संभालने का बीड़ा उठाया है। इसी के साथ ही वो पार्टी के कानूनी काम में भी मदद कर रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की लड़ाई रहे उद्धव गुट का नेतृत्व पूर्व मंत्री अनिल परब, अनिल देसाई और अरविंद सावंत कर रहे हैं। मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार अजमल कसाब को फांसी तक पहुंचाने वाले सरकारी वकील उज्जवल निकम ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। सरकारी अधिवक्ता और शिंदे की मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र में चर्चाएं शुरू हो गई है।
उज्जवल निकम गुरुवार को रात एकनाथ शिंदे से मिलने गए थे। बैठक ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे के नंदनवन बंगले में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उज्जवल निकम के साथ क्या चर्चा की, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सुप्रीम कोर्ट के शिवसेना के दावे को लेकर चल रही सुनवाई पर बात हुई है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने उज्जवल निकम से कानूनी सलाह मांगी है। उज्जवल निकम ने कई हाई प्रोफाइल मामलों में राज्य सरकार के वकील के तौर पर जोरदार प्रतिनिधित्व किया है। उनकी मजबूत पैरवी के चलते ही माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने उज्जवल निकम की मदद मांगी। उज्जवल निकम का कानूनी हलकों में काफी सम्मान रहा है। यहां तक कि उज्जवल निकम को लेकर ये छवि बन गई थी कि जो भी केस वो लड़ेंगे उसमें सरकार ही जीतेगी। अब माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना पर दावे और सरकार पर उठ रहे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे में उज्जवल निकम की मदद ले सकते हैं। ये भी देखना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे उन्हें भविष्य में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हैं या नहीं। महाराष्ट्र में 26/11 मुंबई आतंकी हमले में सबसे कम उम्र की घायल और प्रत्यक्षदर्शी देविका रोटावन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर सरकारी आवास आवंटित किए जाने की मांग की है। उसकी ये मांग महाराष्ट्र सरकार पहले ही ठुकरा चुकी है। अब 23 वर्ष हो चुकी देविका रोटावन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करने से पहले वर्ष 2020 में भी ऐसी ही याचिका दायर की थी। तब अदालत ने उसकी याचिका को महाराष्ट्र सरकार को रेफर करते हुए उपयुक्त आदेश देने को कहा था, लेकिन रोटावन ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने उनकी अपील खारिज कर दी थी, इसलिए अब उन्होंने दोबारा बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर की है। जस्टिस SV गंगापुरवाला और MS कार्निक की खंडपीठ के समक्ष पेश हुई इस याचिका पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील ज्योति चवन ने कहा कि रोटावन को राज्य सरकार की ओर से 13,26,000 रुपए की मुआवजा राशि दी जा चुकी है। रोटावन अधिकार के नाम पर और चीजों की मांग नहीं कर सकती है। चूंकि रोटावन के वकील अदालत में मौजूद नहीं थे, इसीलिए इस मामले को खंडपीठ ने स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि 26/11 को अजमल कसाब समेत लश्कर के 10 आतंकियों ने मुंबई में खूनी खेल को अंजाम दिया था। कसाब इस हमले का एकमात्र आतंकी था जिसको जिंदा पकड़ा गया था। गुलाम कश्मीर के फरीदकोट का रहने वाले कसाब को 3 मई 2010 को 80 मामलों में दोषी ठहराया गया था। मौद्रिक नीति के ऐलान से पहले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट 0.5% बढ़ाने का ऐलान किया है, तो कांग्रेस पार्टी आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन कर रही है। इस दौरान राहुल, प्रियंका सहित कई सांसद काले रंग के कपड़े में नजर आए। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मिड डे मील की प्रतिपूर्ति राशि के लिए एक छात्र ने हेडमास्टर पर पिस्तौल तानी। तो उधर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा की औकात नहीं है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़े, बिहार में उसका सारा दम टूट जाएगा, जनता उसे उसकी हैसियत बता देगी। इस बीच बिहार में एक ट्रेन रास्ता भटक गई, जाना कहीं और था और वो पहुंच कहीं और गई। मामला गुवाहाटी से जम्मू तवी जा रही 15653 अप अमरनाथ एक्सप्रेस का है। देश भर के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मौद्रिक नीति के ऐलान से पहले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने वैश्विक महंगाई पर चिंता व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने रेपो रेट 0.5% बढ़ाने का ऐलान किया। दास ने कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है। रेपो रेट में बढ़ोतरी से आपकी लोन की किस्त बढ़ जाएगी, इससे होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की किस्त में भी इजाफा होगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची मुद्रास्फीति से जूझ रही है और इसे नियंत्रण में लाना जरूरी है। मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए नरम नीतिगत रुख को वापस लेने पर ध्यान देने का भी फैसला किया है। दास ने कहा कि हालांकि अप्रैल के मुकाबले महंगाई में कमी आई है, ग्रामीण मांग में सुधार दिख रही है, चुनौतियों के बावजूद GDP ग्रोथ 7.2 पर बरकरार है। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने स्थायी जमा सुविधा दर 4.65% से बढ़ाकर 5.15% की है। वित्तीय क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी है। वैश्विक घटनाक्रमों के प्रभाव से विदेशी मुद्रा भंडार बचाव कर रहा है। बता दें, RBI ने खुदरा मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए चालू वित्त वर्ष में अब तक रेपो दर को बढ़ा दिया है। मई में 0.4% और जून में 0.5%। ये तीसरी बार है जब रेपो रेट बढ़ाया गया है। इससे पहले रेपो रेट 4.9% था, जो कोविड पूर्व के स्तर 5.15% से नीचे था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ BJP पर जमकर हमला बोला। वहीं कांग्रेस पार्टी आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन कर रही है। इस दौरान राहुल, प्रियंका सहित कई सांसद काले रंग के कपड़े में नजर आए
उन्होंने कल भी केंद्र सरकार के खिलाफ तेवर दिखाते हुए कहा था कि हम किसी से नहीं डरते, जो करना है कर ले। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे और वर्तमान सांसद पी चिदम्बरम भी काले ड्रेस में नजर आए। आंदोलन के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये विरोध महंगाई और अग्निपथ को लेकर है। महंगाई सभी को प्रभावित करती है। एक राजनीतिक दल के रूप में और एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में हम जनता के बोझ के लिए आवाज उठाने के लिए बाध्य है। कांग्रेस सांसदों ने महंगाई और बेरोजगारी पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये बात स्पष्ट है कि इस देश की जनता पर जो प्रहार हो रहे हैं उसके लिए हम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लंबी है और हम लड़ते रहेंगे। बेरोजगारी और महंगाई हमारा मुद्दा है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिलासपुर में कल उस समय अफरा तफरी मच गई जब 8वीं कक्षा का एक छात्र पिस्तल लेकर स्कूल पहुंच गया। वो सीधे हेडमास्टर आदित्य नारायण के पास पहुंचा और मिड डे मील की प्रतिपूर्ति राशि मांगी। हेडमास्टर ने जैसे ही राशि थोड़ी देर बाद देने की बात कही, वो पिस्तल लहराने लगा। उसके साथ उसका दोस्त भी था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र और उसके दोस्त को हिरासत में लेकर पिस्तल बरामद कर लिया। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ज्वाला प्रसाद यादव ने बताया कि स्कूल में प्रतिपूर्ति राशि वितरण को लेकर बैठक चल रही थी। उसी दौरान छात्र दोस्त के साथ पहुंचा। वो तत्काल राशि मांगने लगा। हेडमास्टर ने उसके बैठक के बाद राशि वितरण की बात कही। इसके बाद वो पिस्तल लहराने लगा। इससे हड़कंप मच गया। किसी तरह उस पर काबू पाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी स्कूल पहुंचे और छात्र तथा उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया। छात्र के पास से एक देसी कट्टा, एक मिसफायर खोखा, एक बाइक और दो मोबाइल मिले हैं। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि हेडमास्टर के आवेदन पर FIR दर्ज कर ली गई है। दोनों नाबालिग है, इसलिए उन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। स्कूल में हुए इस घटना के बाद अधिकारियों में तनाव है। मिड डे मील वितरण को लेकर उनकी परेशानी और बढ़ गई है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तीखे प्रहार कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को भारत में सिर्फ एक पार्टी बचेगी के बयान को आड़े हाथों लिया और चुनौती दी कि बिहार में भाजपा अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की औकात नहीं है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़े। बिहार में उसका सारा दम टूट जाएगा, जनता उसे उसकी हैसियत बता देगी। नेता विपक्ष ने आगे कहा कि दरअसल संघ और भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भाजपा के नेताओं द्वारा विपक्ष को समाप्त करने का बयान उसके इसी मंसूबे को दर्शाता है, लेकिन लोकतंत्र की जननी बिहार भाजपा के मंसूबे को सफल नहीं होने देगी। बिहार की जनता सबक सिखाना जानती है। तेजस्वी यादव ने भाजपा को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि देश का करोड़ों लेकर फरार होने वालों को वो ढूंढ नहीं पाते, लेकिन विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए उसका दुरुपयोग किया जाता है। उनका इस्तेमाल भाजपा के एक प्रकोष्ठ के रूप में किया जा रहा है। इस पर BJP नेता और डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मुद्दा विहीन हताशा में तेजस्वी अनाप शनाप बोल रही है। BJP लीडर और मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी पर पलटवार किया कि पहले राजद अकेले दम पर 40 सीटों पर भी लड़कर दिखाए। इस बीच JDU ने दोनों के इस वार पलटवार से किनारा कर लिया। बिहार में एक ट्रेन रास्ता भटक गई, जाना कहीं और था और वो पहुंच कहीं और गई। मामला गुवाहाटी से जम्मू तवी जा रही 15653 अप अमरनाथ एक्सप्रेस का है। ये ट्रेन गुरुवार तड़के बरौनी से खुली, उसे समस्तीपुर जाना था लेकिन पहुंच गई विद्यापतिनगर। जानकारी के बाद सोनपुर रेल मंडल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। विद्यापतिनगर पहुंच चुकी ट्रेन को वापस बछवाड़ा लाया गया, फिर उसे समस्तीपुर रवाना किया गया। इस दौरान करीब 1 घंटे लग गए। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए सोनपुर के DRM नीलमणि ने बछवाड़ा स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर और सूरज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मामले में जांच के आदेश दिए हैं। DRM ने कहा कि ये बड़ी लापरवाही है। जानकारी अनुसार अमरनाथ एक्सप्रेस सुबह 5:45 बजे बरौनी से खुली। ट्रेन का सीधा ठहराव समस्तीपुर था। ट्रेन बछवाड़ा में 5:15 पर थ्रू आउट गुजर रही थी। बछवाड़ा स्टेशन पर गलत लाइन के कारण बरौनी समस्तीपुर रूट के बदले ट्रेन बछवाड़ा हाजीपुर रेलखंड पर जाने लगी। ट्रेन के चालक जब तक कुछ समझ पाते, ट्रेन विद्यापतिनगर स्टेशन के आउटर सिग्नल पर पहुंच गई। चालक ने ट्रेन रोक रेलवे कंट्रोल को जानकारी दी। बाद में ट्रेन को बैक कर वापस बछवाड़ा लाया गया। इस दौरान सुबह के 6 बज गए। बाद में 6:15 पर ट्रेन को समस्तीपुर के लिए रवाना किया गया। कुरुक्षेत्र में अम्बाला शाहबाद हाईवे से मिले विस्फोटक से जुड़े विदेशी तार की सिरा पुलिस खंगाल रही है। पुलिस के अनुसार ये विस्फोटक ड्रोन के जरिए पहुंचा था तो सऊदी अरब के मक्का में श्रद्धालु एक बार फिर काबा के पवित्र काले पत्थर को छू और चूम सकेंगे।
वहीं पाकिस्तान में 1200 साल पुराने हिंदू मंदिर का आखिरकार लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जीर्णोद्धार किया गया। इस मंदिर पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया था, तो उधर चिली में एक रहस्यमयी गड्ढा उभरा है। इसे लोग नर्क का दरवाजा कह रहे हैं। इसकी गहराई 650 फीट बताई जा रही है, जबकि चौड़ाई 82 फीट है। इसने काफी दूर की मिट्टी को अपने अंदर निगल लिया है। इसी बीच नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने पर चीन का गुस्सा अभी थमा नहीं है। अमेरिका पर भड़के चीन ने अब यूरोपियन यूनियन के देशों पर भी भड़ास निकाली है। दुनिया भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कुरुक्षेत्र में अंबाला शाहबाद हाईवे से मिले विस्फोटक से जुड़े विदेशी तार की सिरा पुलिस खंगाल रही है। पुलिस के अनुसार ये विस्फोटक ड्रोन के जरिए पहुंचा था। विस्फोटक में करीब 1.5 किलो RDX, टाइमर, बैटरी, डेटोनेटर और इन्वर्टर लगा था। इसमें 9 घंटे का टाइमर लगा था। इससे स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से पहले धमाका किया जाना था। इसके तार पाकिस्तान और वहां बैठे खूंखार गैंगस्टर आतंकी हरविंदर रिंदा से जुड़े रहे हैं। पकड़े गए आरोपी शमशेर सिंह से शुरुआती पूछताछ में पता चला कि उसे ये विस्फोटक शाहबाद में रखने को कहा गया था। जून महीने में उसने इसे लिफाफे में जंगल की तरफ पेड़ के नीचे रखा था। वहां से किसी दूसरे को इसे लेकर जाना था। इसे पूरे काम में 4 से 5 लोग और शामिल है। शुरुआती जांच के मुताबिक पंजाब के तरन तारण का रहने वाला 25 साल का आरोपी शमशेर सिंह टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। उसे इस विस्फोटक जगह की फोटो और लोकेशन विदेश में बैठे हैंडलर को भेजनी थी, फिर उनके दूसरे गुर्गे को उसे आगे लेकर जाना था। इससे पहले ही पुलिस ने शमशेर को पकड़ लिया। उसकी निशानदेही पर विस्फोटक बरामद कर लिया गया। विदेश में बैठे हैंडलर ने मोबाइल के जरिए ही शमशेर से ये काम कराया। पुलिस जांच में सामने आया कि इस काम के लिए शमशेर को रुपए और ड्रग्स ऑफर की गई थी। शमशेर का रोल यहाँ विस्फोटक रखने के बाद खत्म हो गया था। सऊदी अरब के मक्का में श्रद्धालु एक बार फिर काबा के पवित्र काले पत्थर को छू और चूम सकेंगे। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से काबा के चारों ओर घेराबंदी कर दी गई थी, जिसे अब हटा लिया गया है। काबा के आगे लगाई गई घेराबंदी को ठीक उमरा की यात्रा से पहले हटाया गया है। हज की तरह उमरा में मुसलमान धर्मावलंबी मक्का की यात्रा कर प्रार्थना करते हैं। ये हज से इस मायने में अलग है कि हज यहाँ एक विशेष महीने में किया जाता है, वहीं उमरा साल में कभी भी किया जा सकता है। उमरा के दौरान हज के किए जाने वाले कई धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं। उमरा के लिए दुनिया भर से करोड़ों मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग मक्का के पास मदीना की भी यात्रा करते हैं। वर्ष 2022 में हज यात्रा 7 से 12 जुलाई तक हुई थी और इसमें कोरोना महामारी के बाद पहली मर्तबा लगभग सामान्य संख्या में लोग मक्का पहुंचे। वर्ष 2020 में केवल 1000 लोगों को हज पर जाने की अनुमति मिली थी। उस साल केवल सऊदी अरब के लोग ही हज कर सके थे। दूसरे देशों के लोगों के मक्का की यात्रा करने पर रोक थी। 2021 में हज यात्रियों की संख्या बढ़कर 60,000 हो गई और इस वर्ष लगभग 10 लाख लोगों ने मक्का पहुंचकर हज किया। हालांकि कोरोना के पहले की तुलना में अभी भी ये संख्या कम है। स्टैटिस्टिका वेबसाइट के मुताबिक 2019 में 25 लाख लोगों ने मक्का में हज किया था। पाकिस्तान में 1200 साल पुराने हिंदू मंदिर का आखिरकार लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस मंदिर पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया था। ये मामला काफी समय तक कोर्ट में चला, जिसके बाद कोर्ट ने मंदिर के जीर्णोद्धार का आदेश दिया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक पूजा स्थलों की देखरेख करने वाले संघीय निकाय ने इस खबर की पुष्टि की है। बता दें कि लाहौर स्थित अनारकली बाजार के बाद स्थित है, जिसे पिछले महीने ईसाई परिवार से वापस लिया गया था। ये वाल्मीकि मंदिर है और लाहौर में कृष्ण मंदिर के अलावा ये सिर्फ दूसरा मंदिर है जो भक्तों के दर्शन के लिए उपलब्ध है। पिछले 2 दशक से यहाँ पर सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही आने दिया जाता था। अब इवेक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने कहा कि आने वाले दिनों में वाल्मीकि मंदिर का जीर्णोद्धार मास्टर प्लान के तहत किया जाएगा। हाशमी ने बताया कि मंदिर पर कब्जा वापस लेने के बाद यहाँ पहली बार मंदिर पर 100 हिंदू, कुछ सिख और ईसाई नेता इकट्ठा हुए। ईसाई परिवार ने मंदिर पर 2 दशक तक अपना कब्जा बनाए रखा था। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उग्र भीड़ मंदिर के भीतर हथियार लेकर पहुंची थी। लोगों ने कृष्ण और वाल्मीकि की मूर्तियों को तोड़ दिया था। यहाँ किचन में रखे बर्तनों को तोड़ दिया था। यहाँ रखे सोने से गढ़ी मूर्तियों को सीज कर लिया था। इसके बाद बिल्डिंग को आग लगा दी गई थी। चिली दक्षिण अमेरिकी में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और संकरा देश है, जिसकी जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास होगी। लेकिन इस छोटे से देश की पिछले कुछ महीनों से खूब चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में वहां पर एक श्रापित मछली मिली थी, जिसको लेकर लोग परेशान थे। तो
तो वहीं अब वहां पर एक रहस्यमय गड्ढा हो गया है। इसे लोग नर का दरवाजा कह रहे हैं। इसकी गहराई 650 फीट बताई जा रही है, जबकि चौड़ाई 82 फीट है। इसने काफी दूर की मिट्टी को अपने अंदर निगल लिया। चिली के वैज्ञानिकों ने इसको लेकर रिसर्च शुरू कर दी है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये रहस्यमय गड्ढा इतना बड़ा है कि आसमान से भी एकदम साफ दिखाई दे रहा है। चिली में नेशनल सर्विस ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग के डायरेक्टर डेविड मोंटेनिग्रो के मुताबिक ये गड्ढा उत्तरी चिली के टियरा अम्ब्रिला टाउन के पास बना है, जो खदानों के लिए जाना जाता है। कनाडा की एक कंपनी यहाँ खनन कार्य कर रही थी, लेकिन रहस्यमय गड्ढा देख उसके कर्मचारी भी डरे हुए हैं। उन्होंने अपने स्तर पर प्रारंभिक जांच की थी, लेकिन नीचे कोई मटेरियल नहीं मिला। हालांकि उनकी टीम को वहां पर पानी दिखा, जो काफी मात्रा में हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये गड्ढा लगातार बढ़ रहा है और आसपास की मिट्टी को निगल रहा है, लेकिन अधिकारी अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे। नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने पर चीन का गुस्सा अभी थमा नहीं है। अमरीका पर भड़के चीन ने अब यूरोपियन यूनियन के देशों पर भी भड़ास निकाली है। चीन ने यूरोपियन यूनियन में शामिल 7 देशों के राजदूतों को तलब कर विरोध जताया है। इन देशों की ओर से बयान जारी कर कहा गया था कि ताइवान की सीमा पर चीन का सैन्य अभ्यास गलत है और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि उपमंत्री डेंगली ने विरोध जताया है और यूरोपीय देशों से कहा कि उनकी ओर से बयान जारी करना हमारे अंदरूनी मामलों में दखल जैसा है, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के विरोध में चीन ने युद्धाभ्यास शुरू किया है। उसकी ओर से ताइवान की खाड़ी में मिसाइलें दागी गई हैं, बड़े पैमाने पर जहाजों को तैनात किया गया है और वॉर प्लेन भी आसमान से उड़ान भर रहे हैं। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और उसका कहना है कि जरूरत पड़ी तो सैन्य अभियान के जरिए भी वो उसे अपने में मिला सकता है। ताइवान के आसमान के ऊपर से भी कुछ चीनी फाइटर जेट गुजरे हैं। इसके अलावा जहाजों पर भी सवार चीनी सैनिकों को ताइवान वापस लो के नारे लगाते हुए देखा गया है। दशकों बाद ताइवान और चीन के बीच इस कदर तनाव देखने को मिला है। यही नहीं, चीन की आक्रामकता का असर जापान तक देखने को मिल रहा है। तो बीकेबी न्यूज के आज के इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।